गया है बिग फीलिंग समझने का। आज कुकी मॉन्स्टर है डिटरमिंड। सलाद के पत्ते, मकई, गाजर, अपनी सब्जियां यहाँ ले लो। हाय दोस्तों, बासमा और मैं दुकानदार बने हैं। हे, बासमा है कहाँ? हमारी सब्जी की दुकान पे ये ब्यूटीफुल बोर्ड लगा रही हूँ जो कि मैंने बनाया है। क्या तुम्हें मदद चाहिए? थैंक्स, लेकिन मैं ये अपने आप ही करना चाहती हूँ। मैं कर सकती हूँ। देखो बासमा कितनी कोशिश कर रही है, उसे कुछ भी रोक नहीं सकता। ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। बिग फीलिंग्स को पहचाने। चिकन कहती है हमारे दोस्त को बड़ी भावना हो रही है, हमें मदद करनी चाहिए। बिग फीलिंग्स हो तो देखो मैं हूँ ना, और मैं दोस्तों के लिए हमेशा हम है ना। बिग फीलिंग्स होती है सबको, बिग फीलिंग्स है ओके। आओ देखें वो कौन है। ये तो कुकी मॉन्स्टर है और लगता है उसे बिग फीलिंग्स महसूस हो रही है। कुकी की आंखें कुछ ऐसी लग रही हैं। और वो लंबी सांसें ले रहा है। हम ये कर सकता, हम जानता हम कर सकता। आओ देखें हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। चलो चले चलो चले चलो चले। बिग फीलिंग्स होती है सबको, बिग फीलिंग्स है ओके। हैया हो चीवावा। ओ हाय जाद, हाय बाजमा, हम कराटे का नया मूव सीखता और हम दिन भर प्रैक्टिस करता। हाँ चिकन, उसने कहा पूरा दिन। वाव, लगता है तुम बिग फीलिंग्स महसूस कर रहे हो कुकी। ओ हाँ हाँ हाँ, हमको होता, हम नहीं रुकता जब तक ये ठीक से नहीं होता, हम फील करता। ओ बॉय, वो क्या शब्द होता। चिकन कहती है कि जब आप कुछ करने की लगातार कोशिश करते हो, जब तक वो ठीक से ना हो पाए, उसे डिटरमिनेशन कहते हैं। हे, मुझे कुछ देर पहले ये महसूस हुआ, मुझे अपनी कोशिश नहीं रोकनी थी। मैंने सोचा था कि मैं बोर्ड अपने आप लगाऊंगी। हाँ हाँ, हमको बिल्कुल यही फील होता, दृढ़ता। ये कि कोशिश करता लेकिन ये मुश्किल होता। सही बोली चिकन, ये कहती है डिटरमिनेशन से मदद होती है पर कभी कभी दृढ़ रहना मुश्किल होता है। ओ बॉय, क्या हम नहीं जानता। हे, अगर खुद में जरा भी डाउट हो तो डिटरमिन्ड रहने का एक तरीका है कि तुम पेड़ बन जाओ। बढ़िया आइडिया बाजमा, चलो सब साथ में करते हैं। अपने दोनों पैर एक दूसरे से दूर रखकर जम कर खड़े रहो, जैसे कि पेड़ की जड़ें। हिलो मत और धीरे से गहरी सांस अंदर लो और धीरे से सांस बाहर। ओ, हमको पेड़ बनना पसंद होता। हम सोचता हम कुकी का पेड़ होता। ओ, हर डाल पर कुकी उगता। फिर कोशिश करने के लिए तैयार कुकी मॉन्स्टर? हाँ, इसका मतलब हाँ होता। गो कुकी, तुम कर सकते हो। हम कर दिया। हाँ कुकी, हाँ। थैंक यू, तुम सब हमको डिटरमिनेशन में मदद करता। ठीक है जैड, अब जबकि मैं हूँ बसमा पेड़, मैं और भी डिटरमिन्ड हूँ ये बोर्ड ऊपर लगाने के लिए। अब देखो मुझे। मैंने कर दिया। ये तुम्हारी कमाल की दृढ़ता थी। सलाद पत्ते, मकई, गाजर, अपनी सब्जियाँ यहाँ से लो। ओ, हमें भूख लगता है इतना कराटे के बाद। को कीड़ा पसंद आता। बिग फीलिंग्स होती है सबको, डिटरमिनेशन है ओके।
बीप बीप। हेलो फ्रेंड्स, देखो मैं क्या बना हूँ। मैं बना हूँ एक बस ड्राइवर। वोश! जैड, जैड, देखो मैं हवाई जहाज हूँ। देखो मैं कैसे आसमान में उड़ती हूँ। ज़ूमी ज़िपी ज़ू। हाय बाज़मा, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी? बिल्कुल, मुझे खेलना पसंद है। हेलो मैम, आज आप कहाँ जाना चाहेंगी बस में बैठकर? बाज़मा, तुम्हें बस में चढ़कर मेरे पीछे बैठना होगा। देखो जैड, मैं बादलों को छू सकती हूँ। अब रुक जाओ। मैं हवाई जहाज हूँ। नहीं, तुम नहीं हो। तुम एक पैसेंजर हो और तुम्हें मेरे बस में सवारी करनी है। बहुत हो गया, मैं अब और नहीं खेलना चाहता। पर क्या हुआ? बिग फीलिंग्स को पहचाने। जैड, तुम ठीक हो? जानना चाहोगे कि चिकन को क्या चाहिए? ठीक है, चलो। चिकन कहती है कि हमारे एक दोस्त को बिग फीलिंग हो रही है। बिग फीलिंग्स हो तो देखो मैं हूँ ना। और मैं दोस्तों के लिए हमेशा हम हैं ना। बिग फीलिंग्स होती है सबको। बिग फीलिंग्स है ओके। ये ज़ोई है और लगता है उसे जरूर बिग फीलिंग्स महसूस हो रही है। ज़ोई का मुंह नीचे मुड़ रहा है कुछ यूं, और उसके हाथ बंधे हैं कुछ ऐसे। क्या हम जाकर उसे बेटर फील करवा सकते हैं? आओ हमारे साथ। चलो चले चलो चले चलो चले। बिग फीलिंग्स होती है सबको। बिग फीलिंग्स है ओके। हाय ज़ोई। हाय क्रोवर। ज़ोई, लगता है तुम्हें बिग फीलिंग महसूस हो रही है। मुझे बहुत बहुत ज्यादा बिग फीलिंग हो रही है। मुझे एक छोटा पत्थर मिला जो सी थ्रू था। वो बहुत कूल था, लेकिन ग्रोवर ने उसे खो दिया। मुझे अब बस ऐसे ही करना है। मुझे माफ कर दो ज़ोई, तुम्हारा प्यारा नीला दोस्त उसे खोना नहीं चाहता था। मुझे वो पत्थर पसंद था, अब वो खो गया। चिकन कहती है, जब आप अंदर से दुखी हो और किसी चीज के लिए बहुत नाराज हो, आपका मुंह नीचे मुड़ जाता है गुस्से में और बॉडी टाइट हो जाती है। कभी कभी आपको चिल्लाने का दिल करता है, उसे कहते हैं गुस्सा होना। तुम्हें वैसे ही फील हुआ जैसा मुझे लगा था जब मैं बस ड्राइवर बना हुआ था। मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। मैं गुस्सा हूँ। चिकन ठीक कहती है, बिग फीलिंग्स होना नॉर्मल है, और हम सभी कभी ना कभी गुस्सा होते ही हैं। पर मुझे ये फीलिंग अच्छी नहीं लगती। मेरे पास एक तरीका है जिसे तुम बेटर फील कर सकती हो, उसे कहते हैं मूव योर बॉडी। चलो मिलकर करें। झुको पूरी तरह नीचे और फिर कूदो ऊपर कुछ ऐसे। अब अपने दोनों हाथ घुमाओ बड़े सर्कल्स में, और अब दूसरी तरफ। आओ दोस्तों, अब अपना सर हिलाएंगे कुछ आगे और पीछे। वाह, थैंक यू बस्मा और जान। मेरा गुस्सा अब काफी कम हो गया है। देखो ज़ोई, मुझे मिला एक और पत्थर। ये ट्रांसपेरेंट ब्लू तो नहीं है, लेकिन है बहुत सुंदर। क्या तुम्हें ये चाहिए? तुम ठीक कहते हो, ये बहुत चमकीला है। मैंने इसे चमकते देखा जब हम इसे निकाल रहे थे। थैंक्स क्रोवर। कभी भी। हिलना डुलना एक बढ़िया तरीका है बेटर फील करने का जब तुम गुस्सा हो। मुझे भी पहले से बेहतर लग रहा है, तो क्यों ना हम फिर से हवाई जहाज खेले बाज़मा। ओके, उसके बाद हम बस खेलेंगे और तुम बनना बस ड्राइवर। ये तो मजेदार है। बिग फीलिंग्स होती है सबको। एंड वी होप